नमस्कार दोस्तों, बीटेक के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ इन्फिनिक्स एक्स बैंड 3 का। इस बैंड का प्राइस है 1599 रुपीज़ और फिलहाल ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। तो इस बैंड में आपको मिलता है एक हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मॉनिटर, 20 डेज बैटरी लाइफ ये लोग क्लेम करते हैं, पोर्ट ट्रैकिंग, स्लीप मॉनिटर, अलार्म क्लॉक और IP67 सर्टिफाइड है ये बैंड, विच मीन्स ये वाटर और डस्ट प्रूफ है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स के अंदर दिया गया है ये चार्जिंग डॉक और ये एक क्लिप जैसा चार्जिंग डॉक है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये है इन्फिनिक्स एक्स बैंड 3। इनिशियल इम्प्रेशन काफी लाइट वेट है और लुक और डिजाइन वाइज जस्ट ओके है। स्ट्रैप्स की क्वालिटी भी मुझे जस्ट एवरेज लग रही है। लेट्स ट्राई टू स्विच इट ऑन। ओके, तो ये स्विच ऑन हो गया है। चलिए इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। और यहाँ ये एक डिटेल्ड यूजर मैनुअल दिया गया है। तो बस बॉक्स में इतना ही है। बैंड को मोबाइल से सिंक करने के लिए आपको ये इन्फिनिक्स लाइफ ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप का UI आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आपका हेल्थ डेटा विजिबल हो जाएगा। इस टैब में कुछ सेटिंग्स दी गई हैं और इस टैब में आप आपकी प्रोफाइल वगैरह सेव कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने इसमें बैंड ऐड ही नहीं किया है, तो चलिए उसे पहले ऐड कर लेते हैं। लोकेशन सर्विस इनेबल कर देते हैं। यहाँ पे ये बैंड विजिबल हो गया है और ये कनेक्ट भी हो गया है, तो बहुत इजीली कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी हेल्थ रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। लेट्स गो टू सेटिंग्स, वॉच फेसेस। तो सैडली सिर्फ 3 वॉच फेसेस इसमें दिए गए हैं। नोटिफिकेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, फोन, मैसेज। आपको नोटिफिकेशन एक्सेस परमिशन ग्रांट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप भी ऑन कर देते हैं। अदर्स में कुछ और सेटिंग्स दी गई हैं जैसे टाइम फॉर्मेट, यूनिट सिस्टम, वेदर रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह। लेट्स गो बैक। और ये फॉर्मवेयर अपडेट करने के लिए है। बैंड का यूजर इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका मेन वॉच फेस, नेक्स्ट इज स्टेप्स काउंट, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, SpO2, वेदर, शटर और लास्ट म्यूजिक प्लेयर। बैंड के जो बेसिक मेजरमेंट हैं जैसे स्टेप्स काउंट, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ये सब मुझे काफ़ी हद तक एक्यूरेट लगे और मैंने दूसरी डिवाइसेस के साथ भी कंपेयर किया और मुझे लगभग सिमिलर रिजल्ट देखने को मिले। बैंड का शटर कैसे काम करता है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपके मोबाइल में कैमरा ऐप लॉन्च हो जाएगी और फिर से जब आप इसे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। पर यहाँ पे कैमरा जो ऐप लॉन्च हुई है वो आपके मोबाइल की डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप लॉन्च नहीं होती है, इन्फिनिक्स लाइफ ऐप में ही कैमरा लॉन्च होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके मोबाइल की डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप यहाँ से लॉन्च नहीं होती है। इस बैंड से आप आपके फ़ोन का म्यूज़िक कंट्रोल भी कर सकते हैं। मेनली आपको प्ले, पॉज, प्रीवियस, नेक्स्ट का सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए मैं पहले अपने मोबाइल में कोई गाना प्ले कर देता हूँ। ये गाना अभी प्ले हो रहा है। और इफ आई प्रेस एंड होल्ड हियर तो ये पॉज हो गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे जाके इसे सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा। कॉल का नोटिफिकेशन आपको कुछ इस तरह से दिखता है और बैंड से आप कॉल को सिर्फ रिजेक्ट कर सकते हैं। इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करने से कॉल रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा बैंड की आउटडोर या डायरेक्ट सनलाइट विजिबिलिटी की बात करूं तो बहुत ही पुअर विजिबिलिटी है। डायरेक्ट सनलाइट में बैंड का डिस्प्ले ऑलमोस्ट इनविजिबल से ही लगता है, बहुत ही मुश्किल से आपको डिस्प्ले में कुछ देखने मिलता है।
तो दोस्तों ये था इन्फिनिक्स एक्स बैंड 3 का अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।